कई साल से तो ऐसे बोल रहे हैं ऐसे कोई बहुत महंगा सोना खरीद लिया हो तुमने तो ओह शिट ये क्या है मम्मी तो आपकी तरह और मेरी शॉर्ट वीडियोस पे 20K तक व्यूज जा रहे हैं जिनके वजह से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ऐसे ही आप लोग प्यार बढ़ाते रहे। बेटा बाहर नहीं निकलना, बहुत गर्मी है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद आज बनने वाला है डेली व्लॉग, क्योंकि यार मैं सोचती हूँ कि कुछ हो तो रहा नहीं है मेरी लाइफ में, आप लोगों को क्या दिखाऊँ, आप लोगों को एंटरटेन करूँ। बट फिर मैंने सोचा कि भाई व्लॉगिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, इतनी बुरी गर्मी हो रही है, मैं घर से बाहर बिल्कुल निकल नहीं रही हूँ। और अब दोपहर के टाइम में मैं बिल्कुल नहीं निकलती हूँ, शाम को मैं थोड़ा बहुत घूमने फिरने निकल रही हूँ, बाकी घर का काम करा रही हूँ। मेरी मम्मी की मौज आ रही है, मुझसे खूब काम करा रही हैं आजकल, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि मैं उन्हें काम करा रही हूँ। भाई आप लोगों को मुझे बताना, अपनी मम्मी को कितने भी हेल्प करा लो, उन लोगों का यही हुआ क्या हुआ, कोई साथ थोड़ी काम करा दिया, ये थोड़ी करा दिया। जिस दिन ना कराओ, जिस दिन एक भी काम नहीं कराया, उस दिन जीरा आराम कर देते हैं भाई मम्मी। तो अभी मैं सो के उठ गई हूँ और मैं थोड़ा सा करूँगी वर्कआउट। वर्कआउट करने का वैसे मेरा कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जितनी शिद्दत से मैं वर्कआउट करती हूँ उतनी शिद्दत से मैं बाहर खाना खा लेती हूँ। पर कोई नहीं, एटलीस्ट करती तो हूँ ना। पिंपल आ गया क्या गाइस? मेरे वैसे पिंपल वगैरह होते नहीं है, ये शायद मुझे मच्छर नहीं काटा है। सो या अभी मैं करती हूँ वर्कआउट, फिर नहाते धोते हैं जल्दी से और करते हैं दिन की शुरुआत। बाकी आज अभी भी मेरे को नहीं पता कि पूरे दिन में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी यार कोई सेट टाइम टेबल नहीं, सॉरी सेट टाइम टेबल नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो एक मेरा टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा, यहाँ से मुझे कॉलेज जाना है, फिर ये। तो या मिलती हूँ आप लोगों को वर्कआउट के बाद। सी कि आज का मौसम कैसा है, मैंने अभी बाहर नहीं देखा निकल के। हवाएं चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी धूप अभी तक नहीं आई है, वरना अभी तक तो बहुत गर्मी आ जाती है, बहुत गर्मी। मौसम ने तो ऐसा कर रखा है, 4 घंटे तो बहुत तगड़ी धूप होती है, आधे घंटे बारिश होगी, थोड़ी देर बाद देखोगे बहुत तेज फिर धूप निकल गई, तो मौसम तो खैर जाओ ही मत। सो गाइस नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी, और आज मौसम थोड़ा ठीक है, तो एक दो दिन से कुछ मार्केट का काम नहीं हो रहा था, तो मैंने और मम्मी ने सोचा कि आज हम वो कर लें, तो बस हम वो ही करने निकल रहे हैं, तो आप लोग भी चलो साथ। और शायद मैं जूडियो भी जाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने देखा जूडियो में कैसा कलेक्शन आ रहा है, और हमारे यहाँ पर एक और नया जूडियो खुल रहा है, तो मुझे वो भी एक्सप्लोर करना है। शायद वो शोरूम अभी रेडी नहीं हुआ है, बट जो भी रेडी हुआ है उसमें जा रही हूँ मैं। तो मौसम वैसे तो गर्मी तो हो रही है, उमस हो रही है काफ़ी, पर हाँ धूप तो नहीं है एटलीस्ट, चलते हैं साथ। सो गाइस मम्मी और मैं निकल गए, मम्मी हाय कर दो। हाय। और भाई साहब मैं पहली बार स्कूटी चलाते हुए व्लॉगिंग कर रही हूँ, डर लग रहा है मैं आगे ठोक ना दूँ, तो इसीलिए स्कूटी में नहीं करती, आगे जाके आप लोगों से मिलती। सो गाइस घर से हम लोग निकले, धूप नहीं थी, और अब इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी तो बहुत हो रही है, पर काम तो करना पड़ेगा, अब रोज यही सोचते रहेंगे धूप है तो हो गया काम। मम्मी क्या लेना है आपको सबसे पहले? एक लेगिंग लेनी है। तुम लेगिंग ही लेती रहती हो, तुम्हारी लेगिंग ही पूरी नहीं होती। नहीं मम्मी ने बाजार से तो सूट लिया था, इसकी लेगिंग है काफी टाइम से। तो यार तुमने इतनी लेगिंग ले रखी है, कोई मैचिंग की नहीं मिलती क्या, हर सूट के साथ अलग? नहीं वो फिर खराब हो जाती है, मैच सही रखनी चाहिए। मेरी मम्मी फेड हो जाती है। अच्छा चलो तो पहले लेगिंग लेते हैं, बहुत भीड़ हो रही है मार्केट में। क्या इसके लिए लेनी है? हाँ ये डार्क वाली लाइट वाली रेड ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ब्लू तो सादा हो जाएगा। नहीं ले ले रेड वाली ले, डार्क या लाइट जोन सी भी मिलेगी वही ले लेंगे। तो सबसे बड़ा डिस्कशन आप देख सकते हैं इस पर, इसमें भी बहुत फर्क है ना स्कूटी से। ये पाकिस्तानी वाला इतना महंगा क्यों है? वर्क की वजह से। ओ माय गॉड इतने सुंदर सुंदर दुपट्टे। तो मम्मी जब भी मुझे मार्केट लाती है मेरा नज़र चली जाती है पाकिस्तानी दुपट्टे में, जो कि है 2000 का, और मेरे को ऐसा लगता है कि 2000 में तो यार पूरा सूट आ जाएगा, बट यार वो दुपट्टा बहुत सुंदर है यार, मन करता है मेरा हर बार लेने का।
अब इस बार नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना भाई, पैसे ले जाऊंगी अपने और खरीदूंगी मैं। मम्मी मम्मी, अभी तक तुम्हें पसंद होता ना ये दुपट्टा तो तुम खरीद चुकी होती। तो पाकिस्तानी दुपट्टा है तो लुक तो वही देगा भाई। दिला नहीं रही है मम्मी, हर बार ले जाती है मुझे ऐसे ही। देख लो तो, अब पता नहीं मुझे मम्मी, मुझे नहीं पता मम्मी दुपट्टा दिलाएंगी या नहीं दिलाएंगी। ये हर बार टरका देती है मुझे कि नहीं 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 महंगा है, तो अब मुझे खुद ही लेना पड़ेगा सेविंग करके। एक बार जॉब करने लग गई ना सब खरीद लिया करूंगी मैं खुद। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। मेरी मम्मी इतनी शॉपिंग वो है, शौक है, लेना कुछ और था लेके कुछ और जा रही हैं। तो मम्मी तुमने क्या क्या खरीद लिया, फालतू की चीजें खरीद ली हैं? कई साल से तो ऐसे बोल रहे हैं ऐसे कोई बहुत महंगा सोना खरीद लिया हो तुमने। तो कुछ नहीं, ब्लेंडर वगैरह लिया है, वो घर जाके दिखाती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है और अब मैं सीधा घर ही रुकूंगी। मेरा जूडू जाने का मन था पर इतनी गंदी धूप हो गई है तो अब मैं नहीं जा रही, मुझसे ना हो पाएगा। अब मम्मी गई है आम लेने, इन्हें इतना मना करती हूँ आम मत लो, इन्हें खा खा के मैं मोटी हो रही हूँ। पर हाँ, ये सांगे वाले जो होते हैं ना काफ़ी अच्छा आम देता है, तो हम आम लेने रुके हैं फिलहाल। तो लो अभी 5-10 मिनट तो बार्गेनिंग करेंगे। कह रही है कि दे रहा है जाऊँ मैं, दे रहा है जाऊँ मैं, मम्मी यही बोल रही है। पर मेरी मम्मी को कोई मना नहीं करता, बेटा दे देते हैं, मम्मी की बार्गेनिंग पावर बढ़िया है। मैं तो 2-3 बार बोलूँगा अगला मना कर देगा, चुप चल लूँगी। अभी भी देखो बार्गेनिंग नहीं चल रही है और मैं बता रही हूँ लेकर ही आएंगे आम। जो एक बार चीज़ मम्मी ने पसंद कर लेना छोड़ेंगे थोड़ी। ये देखो करवा दी ना अपने रेट में बाबा जी, इसे तो दिखाऊंगी आप लोगों को मेरी मम्मी की बार्गेनिंग पावर। अल्ट्रा बढ़िया निकला देसी है, पर ये है किस टाइप का खीरा? गाय भी खुश होगी, ये देसी खीरे अंडे बंडे ही। इन्हें बेचारों को वो नहीं मिला पूरा प्रॉपर खाना, इनके अलग तरीके की नस्ल होगी। ओह शिट, ये क्या है? मम्मी तो आपकी तरह है। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल काली सी हो गई हूँ, इतनी ज्यादा गर्मी। अब मैं भैया आराम करूंगी एसी ऑन करके, ठंडा पानी पी के मैं तो सो रही हूँ। बाकी जो मैं सामान लाई हूँ आपको भी दिखाती हूँ। हम एक ब्लेंडर लाए हैं, ब्लेंडर सो उसमें कॉफ़ी बनाएंगे बढ़िया सी, पर अभी थोड़ा आराम करने के बाद। सो गाइस, मैं सो के उठ गई थी तो हम ये वाला ब्लेंडर लाए थे जो कि अभी हमने मतलब ओपन ऐसे करके देखा था चेक करने के लिए, पर अभी यूज़ नहीं किया। ये वाला पहले था बट ख़राब हो गया था, तो मम्मी को काफ़ी टाइम से चाहिए था जो कि मम्मी कह रही थी बहुत टाइम से। और ये एक ट्रे मुझे पसंद आ गई थी, काफ़ी अच्छी सी लगी मेरे को, तो एक ये लिया था। बस आप लोगों को मिलती हूँ, मैं जा रही हूँ घूमने तो 2 मिनट में मिलती हूँ। बस अब मैं घूमने जा रही हूँ बट बाहर हो गया अंधेरा, तो मैंने सोचा कि पहले घर पे ही मैं व्लॉग एंड कर दूँ। एंड थैंक यू सो मच, मेरे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आई एम वेरी वेरी क्लोज। जो ये सपोर्ट करता है, जो भी मेरी वीडियो शेयर करता है, उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और जल्दी से जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। और आई थिंक कि अब जो भी व्लॉग आएगा वो 1K सब्सक्राइबर का ही आएगा, एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो गाइस थैंक यू एंड की सपोर्टिंग। और मेरी शॉर्ट वीडियोस पे 20K तक व्यूज जा रहे हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ऐसे ही आप लोग प्यार बढ़ाते रहें और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।